get on together. स्वागत है, मैं हूं अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। फर्स्ट इनविटेशन गणेश जी को। आकाश अंबानी की सगाई 30 जून को मुंबई में होगी। वो जल्द श्लोका मेहता से शादी के बंधन में बंधेंगे। नीता अंबानी अपने बेटे की सगाई का न्योता देने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची। उनके साथ उनके छोटे बेटे अनंत भी थे। भंसाली की फिल्म में सलमान खान। संजय लीला भंसाली एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जो कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। ये एक फिक्शन फिल्म होगी। इस फिल्म में सलमान खान के होने की बात सामने आ रही है। शाहरुख को पसंद अरमान मलिक। शाहरुख खान ने अरमान मलिक के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। शाहरुख ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर अरमान मेरे लिए गाएं। धोती कुर्ता में अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म गोल्ड की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में शूटिंग सेट से अक्षय की कुछ फोटोज सामने आई हैं। सेट पर एक गाना शूट करते देखे गए हैं। गाने में अक्षय धोती कुर्ता पहने हुए सिंपल अवतार में नजर आ रहे हैं। मूड के लिए खाना खाती है कैटरीना। कैटरीना कैफ को खाना बहुत पसंद है। कैटरीना कैफ बेहद फूडी है। खाना खाकर कैटरीना का मूड एकदम अच्छा हो जाता है। और एक इंटरव्यू में कैटरीना ने कहा कि खाना खाकर मुझे सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। रणबीर आलिया से सीखेंगे अमिताभ। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने उम्मीद जताई है कि निर्देशक अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की नई पीढ़ी उन्हें उन गुणों को सिखाएगी जो उनमें नहीं है। रणबीर आलिया का रिलेशन हुआ अप्रूव्ड। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक ही गाड़ी में फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग करने पहुंचे, जिससे ये तो साफ हो गया है कि ये रिलेशनशिप अप्रूव हो गया है और ये दोनों इसे पब्लिक भी करना चाहते हैं। मुंबई के महबूब स्टूडियो में ये दोनों साथ साथ फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे। कोहली का विराट स्टैच्यू। दिल्ली के मैडम तुसाद में अब विराट कोहली का भी स्टैचू शामिल हो चुका है। विराट का फिगर उनके सिग्नेचर बैटिंग पोज में बनाया गया है। विराट के फैन अब उनके फिगर को म्यूजियम में जाके देख सकते हैं और फोटो भी ले सकते हैं। मांजरेकर की फिल्म में सोनल। फिल्म पलटन के बाद सोनल महेश मांजरेकर की अगली अनटाइटल फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म में विद्युत जामवाल और श्रुति हसन भी होंगे। कुल्फी की पापा संग केमिस्ट्री। मोहित ने कहा, आकृति मेरी बेटी की तरह है। मुझे याद है कि एक बार लंच के लिए मैं शकरकंदी ले गया था और उसे वो बहुत पसंद आए थे। उसके बाद से मैं हर रोज उसके लिए अलग से लंच लेकर जाता हूँ। हमारे बीच इस तरह का बॉन्ड बन गया है। स्वीटी चली न्यूयॉर्क। नुसरत धरूचा ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में एक्टिंग में डिप्लोमा के लिए एक सप्ताह के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। मई में कुछ काम के सिलसिले में अभिनेत्री लॉस एंजलिस में थी, तब उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। वो इस महीने के मध्य अमेरिका जाएंगी। रणबीर की एक्टिंग से खुश नहीं सलमान। सलमान खान ने कहा, मैंने फिल्म संजू का ट्रेलर देखा है। मुझे लगता है कि संजू के बीते 8-10 सालों वाला किरदार खुद उन्हें ही निभाना चाहिए था। बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना। फिल्म नमस्ते इंग्लैंड में एक गाना है, तू मेरी मैं तेरा। ये एक ट्रैवल गीत है जो अर्जुन और परिणीति की फिल्म में यात्रा को दर्शाएगा। ये दोनों किरदार फिल्म में पंजाब से लंदन तक की यात्रा करेंगे। गाने की शूटिंग 1.5 दर्जन से अधिक लोकेशंस पर की गई है। इस गाने का बजट 5.5 करोड़ रखा गया है। संजू की नरगिस की किताब। मनीषा कोइराला एक किताब लिख रही है जो कैंसर को लेकर है। मनीषा ने खुद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से एक लंबी जंग लड़ी है। मनीषा ने बताया, किताब आखिरी चरण में है और अगस्त तक पूरी हो जाएगी। पतली हुई मौनी रॉय। मौनी रॉय की जो फोटो वायरल हुई है, इसमें मौनी को पहचानना थोड़ा मुश्किल हुआ है। मौनी ने बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया है। वो फोटो में काफी दुबली पतली नजर आ रही है। फोटो में वो सुपर सेक्सी लग रही है। सैफ के खिलाफ केस हुआ दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया है। बुल्गारिया सरकार ने इंटरपोल को सैफ अली खान का स्टेटमेंट लेने के लिए कहा था। ये मामला जंगली सुअर के शिकार से जुड़ा है। हिमानी की वेब सीरीज होम। हिमानी शिवपुरी ऑल्ट बालाजी की नई वेब सीरीज होम में नजर आएंगी। होम सेठी फैमिली की कहानी होगी जो अपने घर को बचाने के संघर्ष में दिखेंगे। एकता को मिल गया हम सफर। एकता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कपल की फोटो पोस्ट की है जिसके साथ उन्होंने लिखा है, कुछ चीजें देर से भले आती हो लेकिन उनका इंतजार करना अक्सर फायदेमंद होता है। एकता की इस पोस्ट से ऐसा लगता है जैसे उन्हें जिसका इंतजार था वो शख्स उन्हें मिल गया है। मिथुन की ग्लैमरस बहू।
मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मिमो की शादी साउथ की एक्ट्रेस मदालसा से हो रही है। 7 जुलाई को मदालसा और मिमो ऊटी के होटल द मोनार्क में एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेंगे। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी का।